वेलकम टू एसएससी में डीजी। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें कि जो कल एसएससी सीजिल 2018 प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो ये वीडियो सभी के लिए है। जिन लोगों ने एसएससी सीजिल 2018 प्री को क्वालिफाई किया है या जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं, या जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है लेकिन उनको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई की नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी और कट ऑफ के ऊपर सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 16 मिनट की वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों का टफ शिफ्ट में पेपर है, अगर उनके 100 नंबर भी आ रहे हैं तो उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ये ओपन कैटेगरी के लिए मैंने बात की थी। और जिनका भी रिजर्वेशन है ओबीसी एसटी और एससी, उनको तो मैंने आंख बंद करके कहा था कि उनको तैयारी करनी ही करनी है, और यही सेम चीज़ हुई। मैंने उस वीडियो में कहा था कि आपके जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में जो टफ शिफ्ट वाले हैं उनके 40 50 या 60 तक बढ़ सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब सेम चीज़ होती हुई, मतलब 40 से 50 40 नंबर के ऊपर तो हज़ारों लोगों के मार्क्स बढ़ाए गए हैं, 40 से 50 कितने लोगों के 50 मार्क्स भी बढ़ाए गए हैं, और जिनका 100 नंबर तो छोड़िए, जिनका 95 या 90 नंबर भी है उनका भी कट ऑफ क्वालिफाई हो चुका है। और कि जो लोग भी, एक मेरा दोस्त है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके 73 मार्क्स थे एससी कैटेगरी में, लेकिन फिर भी उसका कट ऑफ क्वालिफाई हो चुका है। और अगर बात करें जो कट ऑफ, और जो बात करें कि जो ये कट ऑफ, कुछ लोग कह रहे हैं जो कट ऑफ हाई गया है, क्योंकि उनका कहना था कि जो ये कट ऑफ है, जो इस बार का पेपर है, पेपर इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ आया था और टफ पेपर के कारण इसका, इस बार का जो कट ऑफ है 2018 का, वो सीजल 2017 की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा लो जाना चाहिए था। तो मैं अगर आपको सही बताऊं तो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हाई नहीं गया है, कट ऑफ लो ही गया हुआ है। कट ऑफ आपको हाई इसलिए लग रहा है कि ये जो कट ऑफ दिया गया है ये एक नॉर्मलाइज स्कोर है, ये रो मार्क्स से ऊपर आया हुआ कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में जिस तरह की टफ शिफ्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ डिसाइड होता तो कट ऑफ 100 नंबर के आसपास ही जाता, इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन जो लास्ट की शिफ्ट में पेपर जा काफ़ी ज़्यादा आसान आने के कारण नॉर्मल लोग 160 170 जितने अटेम्प्ट करके आ रहे थे, 180 जितने मतलब मार्क्स जिनके आ रहे थे, तो इनकी कंपैरिजन में टफ शिफ्ट वालों को नुकसान होता ही, ये एक सिंपल सी बात थी। इसी के कारण इनके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं और जो कट ऑफ गया है 137 के आसपास गया है, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। हाई कट ऑफ जाने का कारण ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये कट ऑफ नहीं है। दूसरी बात, और जिनका, जिनको स्टूडेंट को लग रहा है 170 के प्लस बहुत सारे कैंडिडेट हैं, एक्चुअली जिन लोगों का भी 170 के प्लस है वो सारे स्टूडेंट्स ने, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने 170 स्कोर किया है, उन लोगों ने जो एवरेज बंदे स्कोर करते हैं 125 120 इतने ही मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि जिनके 120 नंबर है, जिनके 125 नंबर है, उनका भी जो मार्क्स बढ़ाकर 170 कर दिया गया है, तो जो जिन बंदों का 170 आ रहा है वो एक्चुअली जो नॉर्मल स्कोर करने वाले 120 125 स्कोर करने वाले हैं, वही बंदे हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन से मार्क बढ़ाया गया है। 170 इंडिविजुअली बहुत ही कम स्टूडेंट ने स्कोर किया होगा, जिनका लास्ट में बहुत ही ज़्यादा आसान शिफ्ट में होगा। और दूसरी बात, जिन लोगों का अभी एसएससी प्री क्वालिफाई हो चुका है या और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जिससे और ख़ास करके वो लोग जिन लोगों को लग रहा था कि उनका प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो उन्होंने मेंस के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, तो उन लोग का तो उनके मन में डाउट होगा कि क्या हम मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसका कारण है कि जो मेंस का पेपर, अगर आप एक बार मेंस का पेपर दे चुके हैं तो आप पूरे जो पूरा गेम है मेंस का उसको समझ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पूरी अफवाहें फैलाई गई हैं कि जिसका सिर्फ कट ऑफ पर क्वालिफाई हुआ है वो मेंस निकाल नहीं सकता या सीजीएल में सिलेक्शन नहीं ले सकता, ये सब पूरी अफवाहें हैं। जिस तरह से 2015 तक का जो पेपर बनता था, 2015 तक जो जिस तरह से कट ऑफ जारी की जाती थी, अगर आप उसको एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जिन लोगों का कट ऑफ सिर्फ प्री में सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई हुआ है उन लोगों ने भी सिलेक्शन लिया है। और हर चीज़ डिपेंड करती है मेंस के पेपर के लेवल पे। एक्चुअली
2017 तक होता क्या था कि मेंस का पेपर प्री जिस तरह से पहले से बनता आ रहा है उसी तरह से पेपर को बनाया जाता था। तो जी अगर किसी बंदे ने प्री में बहुत ज़्यादा लीड ले चुका है तो उसको मेंस में डेफिनेटली फ़ायदा होता था। लेकिन 2017 से हुआ क्या, और 2017 का जो टफ़ पेपर आया मेंस में और 2018 का जो टफ़ पेपर आया स्टार्टिंग के शिफ्टों में, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया। अगर पेपर टफ़ आता है तो जितने भी जिस बंदे जो बंदे की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है या जिसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, वो सब सेम लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में पेपर वही जो आसान क्वेश्चन है वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन टफ़ जो क्वेश्चंस है वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स लेवल पर आ जाते हैं। और आजकल जो पेपर बनेगा और मेंस का जो पेपर बनेगा वो बहुत ज़्यादा आसान तो बनने वाला ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, पेपर टफ ही बनाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 दिनों में 15 दिनों में आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है सीजीएल को क्रैक करने के लिए। तो उम्मीद है आप जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है वो सीजीएल क्रैक कर सकेंगे मेंस भी। और 2019 की तैयारी करने वालों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, आप 2019 में भी डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।